जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के, उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं बात धन्यवाद ही कह सकती हूँ। माता जी, आपकी मांग पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपसे क्या है माता जी, पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटा, हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मार लीजिए। मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है, आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है पुलिस विभाग। असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्या चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था, अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के दो हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका इनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरद है उसको लेकर क्या चाहती हैं? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है कि उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद वो जो बयान देगा, अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? देखिए बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था, तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। देखिए बेटा, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जो चारों तरफ भागे हैं पुलिस प्रशासन, तो उनके ऊपर है, कितना मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल हो। क्या लगता है, मिट्टी मिलाने काम शुरू हो गया? देखिए बेटा, ये दो काउंटर हुए हैं तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। क्या लगता है, आपको सजा मिलेगी? चार एनकाउंटर हुए हैं। देखिए बेटा, जो हैं तो धीमे धीमे, हमने यही कहा था ना कि देर है, देर है, अंधेर नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी या पुलिस विभाग कर रही है वो अपना काम करेंगी, हमको मात्र फैसले का इंतजार। तो अतीक को सजा मिलेगी, पूरी उम्मीद है आपको? अब देखिए बेटा, अभी तो रिमांड पे है, आगे क्या होता है। उमेश पाल की पत्नी और उमेश पाल की माता जी को सुना, जो लगातार इस बात की मांग इनकी तरफ से की गई कि उमेश पाल की पत्नी ने इस बात की मांग की कि उनके पति की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब शूटर को मार गिराया जाएगा, असद को मार गिराया जाएगा और पुलिस की कार्यप्रणाली से, पुलिस के इस एक्शन से आज वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अब आगे अतीक के खिलाफ भी देखने वाली बात होगी कि कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होती है। लेकिन उमेश पाल की पत्नी, जिन्होंने अपने पति को खोया, उनका कुछ भी कसूर नहीं था, बशर्ते कि वो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे,
अतीक के खिलाफ वो केस लड़ रहे थे और इस बात की सजा अतीक के बेटे, अतीक के गुर्गे, अतीक ने साजिशन उन्हें मौत के घाट उतार कर की। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में माफियाओं के हौसलों को पस्त करने का काम लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है और जिस दिन इसने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था, देखिए जरा दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई, उमेश पाल अपनी गाड़ी से निकलते हैं, यही एक गली जिसमें उनका घर है, वो जैसे ही उतरते हैं दो सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ रहते हैं, पुलिस के जवान। देखिए यही है वो असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है, इसने दनादन साफ तौर पर देखा जा सकता है, कोई दो राय नहीं, कोई नहीं कह सकता कि अतीक का बेटा इसमें नहीं था, इसने वहां पर गोलीबारी की और उसे मौत के घाट उतार दिया। आलोक के पास क्या जानकारी, बताइए आलोक हमारे सहयोगी।